व्यू है बहुत ही खूबसूरत सा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे होता है कि जब पास की आपको एक बात बताऊं, एक जबरदस्त सा सरप्राइज, रोना धोना भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जाने लगे हैं ग्रोसरी करने के लिए, साथ में लूंगी स्किन केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स, साथ में चलेंगे, साथ में बाय करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेट्स गो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथ में चलते हैं। तक गाड़ी निकल रही है, आपको अपने लॉन की कंडीशन दिखाऊं। ये देखें कुछ इस तरह से कंडीशन हो गई है। गार्डनर हमारा नहीं आया तो सारे सूखे पत्ते इस तरह पड़े हुए, और इनकी इतनी मज़े की आवाज़ आती है जब इसको पकड़ के ऐसे हाथ में मसलते हैं ना, नहीं क्यों लेकिन मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है इस आवाज़ से। चलें जी, गाड़ी शाड़ी हमारी निकल गई है, सवारी हमारी तैयार हो गई है, चले आएँ, चलते हैं शाही सवारी पर बैठ के शॉपिंग करने। टाइम जितनी गर्मी होती है ना, बाहर जाने का दिल ही नहीं करता, तो शाम में ही सारे काम यूजली इंसान करता है गर्मियों में। खैर आप ये व्यू चेक करें, सन चेक करें, बस ये डूबने वाला है। इवनिंग व्यू है बहुत ही खूबसूरत सा। जितना मुझे ये वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा था ना, उतना ही ये मुझे देखने में भी मज़ा आ रहा था। सीरियसली बड़ी प्यारी खूबसूरत सी शाम, सूरज डूब रहा था और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। खूबसूरत व्यू देखते देखते, खूबसूरत शाम का मज़ा लेते लेते हम लोग पहुंच गए कमर्शियल एरिया में, और यहाँ पे सबसे पहले बाय करेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट। चलें जी, अब सब्जियाँ बाय करते हैं। सीरियसली हर कोई लगता है शाम का ही इंतज़ार कर रहा होता है, जैसे ही शाम होती है तो सारे बाहर आ जाते हैं शॉपिंग करने। शॉप में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है, बस फिर मैं भी इस मैदान में उतर पड़ी और सबसे पहले मैंने ली सब्ज़ मिर्चें, और फिर टमाटर देखे, प्याज देखे, अदरक लहसुन, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना जो रोज़ यूज़ होनी ही होनी होती हैं, कुछ वो ली, और कुछ वेजिटेबल्स देखी जो फ्रेश फ्रेश लग रही थी ना वो ले ली, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो फ्रेश हों वही लूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना तो मैं सब्ज़ी इकट्ठी काट के रख लेती हूँ। वैसे मैं सर्दियों में भी इकट्ठी काट के रख लेती हूँ तो बहुत आसानी हो जाती है। टमाटर हम लोगों ने लिए, ये जो कुछ बेसिक्स होते हैं ना, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, ये तो लेनी ही लेनी होती हैं। इसके अलावा जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगे साथ वो भी इंसान ले लेता है। कोशिश बस यही किया करें कि जब भी वेजिटेबल बाय करें तो फ्रेश फ्रेश देख के करें। मटर मेरे भी और विकास के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं जिस चक्कर जाती हूँ ना, समझ लें उसी चक्कर मटर लाजमी लेके आती हूँ, निकाल निकाल के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जब ज़रूरत पड़ती है निकाल के यूज़ कर लेती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुकम्बर, और यह देखें कुकम्बर का हेयर स्टाइल आप चेक करें, कैसे इसकी ऊपर से दुम निकली हुई है। के हाथ मैंने फ्रूट पे भी नज़र मार ली, फ्रूट भी बहुत फ्रेश, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, वो जो चल रहा है कि जो तरबूज है, वाटरमेलन, वो इंजेक्शन वाले आ रहे हैं, वो उन्हें रेड जोन से इंजेक्शन लगा के किया जाता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिया करें, किसी ऑथेंटिक शॉप से ही बाय किया करें। फालसा मैंगो बहुत फ्रेश था। अक्सर ऐसे होता है, या सिर्फ पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे होता है कि जब इंसान ऐसे फ्रेश फ्रेश चीज़ें देखते हैं ना, तो जो चीज़ नहीं भी लेनी होती ना तो वो भी ले लेते हैं। गर्मियों में लेमन बहुत ज़रूरी है, लेमन, खीरा, जो रॉ वेजिटेबल्स खाई जा सकती हो ना वो लाजमी बाय किया करें। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हम लोगों ने ले लिए। सीरियसली दिल ही खुश हो जाता है जब मर्ज़ी की सब्ज़ी मिल जाती है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी फ्रेश। फल भी मर्ज़ी का मिल गया, सब्ज़ी भी मर्ज़ी की मिल गई है। अब हम चलते हैं मज़ीद शॉपिंग करने, अब ग्रोसरी करते हैं, ग्रोसरी स्टोर चलते हैं, चले हैं साथ में चलते हैं। रास्ते में अजान हो गई थी मगरिब की, और ये देखें आप माशाल्लाह नमाजियों का रश। बस विकास भी यहीं पर रुक गए और उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ लें फिर आगे चलते हैं, और यहाँ पे मुझे इतनी खुशी हो रही थी नमाजियों को देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जवान क्या, बूढ़े क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, जो जो रोड से गुजर रहा था वो साइड पे अपनी गाड़ी खड़ी करता था, बाइक खड़ी करता था और जाके नमाज़ पढ़ने लग जाता था। से ना ओपन ग्राउंड में ना जमात हो रही थी और सबकी कोशिश ये थी कि हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें, बस सारे जा रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था इन सब को देख के। अल्लाह पाक हम सबको पांच वक्त का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए, और जिस तरह की बराबरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, काश यही बराबरी हमारी रियल लाइफ में भी हो, कोई फ़र्क ही ना हो किसी में, सारे एक जैसे बराबरी के साथ चलते जाएँ, कितना ऐसे ज़िंदगी में सुकून हो। जब दुनिया से चले जाना है तब सबको एक जैसा ही घर नसीब होना है, मिट्टी का घर। पता नहीं ये दुनिया में हम क्यों इस चक्कर में पड़े रहते हैं। उस घर को हमारे अमाल ने खूबसूरत बनाना है, बस अल्लाह पाक अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इस प्यारी सी बात के साथ विकास भी आ गए, और बस अब करते हैं अपना सफ़र दोबारा से कंटिन्यू और चलते हैं ग्रोसरी स्टोर।
मैंने बाय करने हैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, छोटी छोटी बहुत रिजनेबल प्राइस वाली कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। पास की आपको एक बात बताऊं, मुझे ऑयल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सारे ऑयल चेक करूंगी, जो जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं चेक करूंगी, उसके ऊपर से इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगी, फिर जब मुझे कभी ऑयल की ज़रूरत पड़ी, अभी तो मेरे पास ऑयल है, मैं दुबई से लेके आई थी 2-3 बॉटल्स, तो अभी मेरे पास वो है। विंडो शॉपिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, पता तो होना चाहिए ना कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। खैर, ये है ग्लिटर, अगर आप ये अपने बालों में लगा लें, ऐसे चमकियां मारेंगे आपके बाल, ऐसे शाइन करेंगे, सीरियसली हर कोई दीवाना ही हो जाएगा आपके बाल देख के। अब आ गई हूँ जी मैं छोटी छोटी खुशियों के सेक्शन में, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से खरीदेंगे, ये भी मस्ट, इंसान खरीदता ही खरीदता, जिस भी चक्कर आ जाए, चाहिए हों या ना चाहिए हों, शामिर की छोटी छोटी चीज़ियाँ खरीदनी ही पड़ती हैं। मेरी काफ़ी छोटी थी, लेकिन सामान मेरा अच्छा खासा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ बढ़ के बढ़ता ही जा रहा था, मेरे वेट की तरह सीरियसली कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, जो मैंने लिस्ट में नहीं भी लिखा था उस पर भी हाथ उछल उछल के जा रहा था। चीज़ें मैंने खरीद ली हैं, जो जो मुझे चाहिए था। अब मैं आ गई हूँ सीधा हम लेडीज़ वाले सेक्शन में। सबसे पहले चेक किए हेयर ब्रश, जो बहुत क्यूट क्यूट थे। मुझे एक रोल वाला हेयर ब्रश चाहिए था, जिससे कर्ल होते हैं ना, रोल वाला जो हेयर ब्रश होता है वो यहाँ पे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा था। सीधे सीधे तो सारे नज़र आ रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे हेयर ब्रश थे, बहुत क्यूट क्यूट कलर्स थे इनके, सही वो जो समर्स वाले कलर्स होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट वो कलर थे। एक मुझे ये चाहिए थी बॉडी मिस्ट, ये लाजमी बाय किया करें समर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पास से ऐसे हर टाइम खुशबू आते रहना चाहिए। इससे पहले आप ये बॉटल्स चेक करें, कितनी मज़े की हैं, दिल करता है ना इंसान सारी खरीद ले, लेकिन क्या करें, खैर अपना बजट भी तो देखना है, अपनी पॉकेट भी तो देखनी है। अच्छा, ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, ये लाजमी बाय कर लिया करें, समर है ना, तो इस तरह की चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। बॉडी स्प्रे हो गया, ड्यूड्रेंट हो गया, बॉडी मिस्ट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सर्दी हो या गर्मी, मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बाय। उसके बाद जी आगे हम सन ब्लॉक वाले सेक्शन में। सन ब्लॉक तो समझ लें आप घर में भी लगा लिया करें, जितनी गर्मी पड़ रही है ना घर में भी सन ब्लॉक लगा के रखा करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ बहुत महंगा महंगा, जिस पे रेट सबसे ज़्यादा लगा हो आप वही बाय करें, आपको जो चीज़ सूट करती है चाहे वो कम प्राइस में ही सूट करती हो वो आप ज़रूर बाय करें, और कोशिश करें कि चलो बजट में रह के अगर स्किन का या अपना ख्याल रखा जा सकता है तो रख लें। इसके बाद मैंने लिया रोज़ वाटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फ्रिज में रख लें, चलते फिरते अपनी स्किन पर स्प्रे करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, फ्रेशनेस का एहसास होगा। A few moments later. शॉपिंग कर करके हमें लग गई भूख और हम आ गए हैं जी खाना खाने, बारबेक्यूज, मेरी कज़न भी आई हुई थी, फिर हम सब ने बैठ के खाना एंजॉय किया। वैसे तो आपने भी मेरे साथ बहुत शॉपिंग की है, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आ जाएं हमें ज्वाइन करें, आप भी खाना खाएं, बहुत मज़े का खाना है, कोरमा है और साथ है बारबेक्यू। 1 hour later पहुंचते ही जैसे ही मैंने अपना YT स्टूडियो चेक किया, अपना चैनल चेक किया, मुझे मिला एक जबरदस्त सा सरप्राइज, आए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी आज की गुड न्यूज़, ज़बरदस्त थी, जो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, और ये सब कुछ अल्लाह के बाद, मेरी फैमिली के बाद, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुमकिन हो सका है। मैं शॉपिंग करने गई तब अभी 20 कम थे, तो मुझे ये था कि चलो सुबह तक पूरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करोगे और 10K मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही घर पहुंची, थोड़ी देर बाद भाई और भाभी भी आ गए, और मेरी खुशी में समझ लें इजाफा हो गया, कज़न भी आई हुई थी, और उनकी मौजूदगी में ऐसे 10K कंप्लीट हुए। बिहाइंड द सीन मैं इमोशनल भी हो गई, रोना धोना भी हो गया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शायद अब लोगों के मिलियंस भी हो जाते हैं तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती, पर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं, ये खुशी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, इंशाल्लाह मिलके सेलिब्रेट करेंगे। हाय, मैं फिर से इमोशनल हो रही हूँ, सीरियसली ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, मेरी YT फैमिली माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरा आज का व्लॉग, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपनी खुशी बांट के। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें और अल्लाह पाक मुझे भी मजीद कामयाब करें। सीरियसली ये मेरे पूरे साल की मेहनत है, पूरे साल की सीरियसली मेहनत भी है। अभी भी मेरे चैनल पे व्यूज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र करना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सबका वंस अगेन। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।